हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यह उसी प्रकार से है जो हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो गणना करनी होती है, ठीक उसी प्रकार से है। तो इसमें जो है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञान करनी है। तो सबसे पहले हम चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं। बच्चों, चुंबकीय जो द्विध्रुव होता है, एक माना 2L लंबाई का एक द्विध्रुव है जिसकी टोटल लंबाई क्या है, 2L है, ठीक है, जिसका कि दो ध्रुव है साउथ और नॉर्थ। साउथ ध्रुव की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय प्रवणता होती है, वो है -Q N, और प्लस वाले जो नॉर्थ ध्रुव है उसकी चुंबकीय तीव्रता होगी +Q N। क्योंकि आपको पता है कि एक जो आइसोलेटेड जो विलगित ध्रुव होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता चुंबक में, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। तो S की जो चुंबकीय प्रबलता है वो -Q N और इसकी क्या है, +Q N, ठीक है। और तो जो चुंबकीय, और ये जो है चुंबकीय द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु हो गया, इसको हम जो वो बोलेंगे, ठीक है। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वो M है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, M है। तो M चूंकि आपको पता है M बराबर क्या होता है, Q M इंटू 2L, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर एवं विपरीत ध्रुव एक दूसरे से क्या होंगे, अल्पतम दूरी पर होंगे, ठीक है। तो जो परिणामी जो तीव्रता हो जाएगी या प्रबलता हो जाएगी चुंबकीय, Q M है इंटू 2L है, ठीक है। तो चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, और हमेशा इसकी दिशा क्या होती है, N से P की ओर होगी। मतलब माना कोई बिंदु हम यदि अक्ष पर निकाल रहे हैं तो हमेशा इसकी दिशा किस प्रकार से होगी, N से P की ओर, ठीक है। तो बोलने का मतलब है, अब हमने क्या निकालना है, एट एन एक्सेल बोले, एट एन एक्सेल पोजिशन अक्षीय स्थिति है, अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वो किस तरीके से। तो हम मानते हैं कि माना इस वैद्युत द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु है P, ठीक है, यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इस चुंबकीय द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, यहां से r दूरी पर एक कल्पना करते हैं, r दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करते हैं इस एन ध्रुव से बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, माना वो B1 है और उसकी दिशा हमेशा N से P की ओर होगी, ठीक है, क्लियर है। और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1, ठीक उसी प्रकार से ये हो जाएगा -Q N, मतलब S ध्रुव से बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो हो जाएगी V2। अब आप चूंकि देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, सरल रेखीय है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। तो N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र V1, और S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 है। तो यहां पे जो है हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहां से
यहाँ की जो डिस्टेंस हो जाएगी एन ध्रुव से बिंदु P की जो है डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल आपकी जो है R माइनस, ठीक है। और यहां से ये जो S ध्रुव से बिंदु P की दूरी हो जाएगी ये L है और प्लस R हो जाएगा, R प्लस L, ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमेशा जो हुआ जो N ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र P है उसकी दिशा एन पी है, ठीक है, और N ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो N से दूर होगा, ठीक है। तो हम इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाल देते हैं हम सीधे सीधे B1 बराबर N के कारण N ध्रुव के कारण मतलब उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1 बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू चुंबकीय तीव्रता है Qm बटे L स्क्वायर, R स्क्वायर होता है तो R स्क्वायर हमारा क्या है R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। और इसकी दिशा क्या है N से P की ओर, क्लियर है, N से P की ओर। अब S के कारण S ध्रुव के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा B2 बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई Qm बटे R प्लस L का स्क्वायर, जिसकी दिशा हो जाएगी क्या हो जाएगी P से S की ओर, ठीक है। तो हमने जो परिणामी तीव्रता निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P पर, ये हो जाएगा बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी N से P की ओर होगी, क्योंकि B1 इज ग्रेटर देन B2 के हम कह सकते हैं। तो यहां पे जो है हमेशा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो N से P की ओर, उत्तरी ध्रुव से बिंदु P की ओर होगी, ठीक है। तो हमारा जो हम निकालेंगे हम यहां पे निकालेंगे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर B1 माइनस B2, ठीक है। अब हम देखेंगे B1 क्या था, B1 था हमारा म्यू जीरो बटे 4 पाई Qm बटे R प्लस L का, B1 था हमारा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस म्यू जीरो बटे 4 पाई Qm बटे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब हमारा जो दे है हम वो निकालेंगे, इसकी कैलकुलेशन करनी है, बस निकल गया सीधे सीधे, ये हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई Qm भी हम साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा इसका LCM आ जाएगा, क्या आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इस R माइनस L से R माइनस L का होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इससे ये कैंसिल हो गया ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू Qm, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस है बाहर तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और क्या होता है माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2RL अपॉन ये हो जाएगा
a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा जो है ये कैंसिल हो गया, ये प्लस आर है, ये माइनस आर स्क्वायर है, ये प्लस आर स्क्वायर है, ये प्लस एल स्क्वायर है, माइनस एल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू टू जीरो बटे फोर फाइव इंटू क्यू एन इंटू फोर आर एल। ठीक है, जुड़ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फोर स्क्वायर। बच्चों अब हमारा जो निकलेगा, क्योंकि आप देखेंगे r इज ग्रेटर देन l के, जो r डिस्टेंस है वो l से ज्यादा है, तो हमारा जो सूत्र b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू क्यू एम इंटू टू आर क्यू एम इंटू टू एल लिख सकते हैं हम, इंटू हो जाएगा टू आर। लिखने का तरीका है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर इज ग्रेटर देन एल, तो एल को हम क्या कर लेते हैं, नगण्य ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि आप देखते हैं ये मैंने बताया था ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, एम इज इक्वल टू हो जाता है टू एम इंटू टू एल, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसकी पोजिशन ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, इसलिए बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू ये हो जाएगा क्यूएम, इसको लिखेंगे एम इंटू टू आर अपॉन आर की घात चार। ठीक है, तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बटे फोर पाई इंटू टू एम बटे आर क्यू। ये जो है बच्चों, ये जो है ये जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु पी पर, बिंदु पी पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो निकलेगा। तो बच्चों ये कंडीशन है अक्षीय स्थिति पर, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, यदि एक्स अक्ष में ज्ञात करना है तो उसके लिए जो सूत्र हो जाएगा बीज टू म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू टू एम अपॉन आर क्यू। ये सेम उसी प्रकार से है जो हमने वैद्युत स्थिति की स्थिर वैद्युतिकी में हमने वैद्युत द्विध्रुव के लिए पढ़ा था, तो ये एक आप क्या हो गया एक दोबारा जो है रिमाइंड करने के लिए किस तरीके से किया जाता है, ये सेम उसी तरीके से करेंगे। लेकिन इसमें देखना ये है कि जो हम कह रहे हैं बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट में चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव में जो है साउथ और नॉर्थ होते हैं, और अलग से ध्रुव का मैंने कहा यदि इसको काट करके टुकड़ा कर दिया जाए, इसका हमने कल चुंबक के गुण जो पढ़े थे, ठीक है, यदि हम इसको जो है इसके टुकड़े कर दिए जाए, कोई चुंबक है उसके टुकड़े कर देंगे, तो उसका जो है वो दूसरा तोड़ने पर भी वो जो है उसका सिरा जो है दूसरा जो है एक साउथ से दूसरा क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल जो चुंबकीय ध्रुव है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो क्या कर सकता है चुंबकीय प्रबलता उसकी होती है जिसके कारण वो जो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, वो मैंने आपको बताया उसी तरीके से ये करना है। धन्यवाद।